गाइस हम उक्तांगन के अंदर आ चुके हैं। ये कुछ आपको बहुत ही जगह अच्छा जगह मिलेगा देखने को। ये एक भालू है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये जो दिखाया गया है ये छत्तीसगढ़ में एक जनजातियों के बारे में बताया गया है जो अभी भी जंगलों में रहती है और तीर और भालू से ही अपना शिकार करके गुजारा करती है। तो अब ये अब अंदर से जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उस ओर जा रहे हैं मुक्तांगन। बहुत ही सुंदर प्लेस है, आप देख सकते हैं इधर चारों ओर प्राकृतिक से जुड़ा हुआ वातावरण है। तो अगर आपको पिकनिक स्पॉट या फिर फैमिली को कहीं घुमाना आना हो, आए दोस्तों मैं यहाँ कभी टिफिन पकड़ा हूँ, तो आप बिल्कुल मुक्तांगन आ सकते हैं। एक्चुअल में मैं खुद यहाँ पहली बार विजिट कर रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आया था यहाँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडा सा वातावरण। ये जो कुछ मूर्ति मेरे पीछे दिख रहे हो वो बस्तर के आदिवासी की एक जनजाति प्रजाति है। सब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और साथ में पाटिल को भी भूख लग रही है। ये वो गाइस ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है और हम लोगों को भूख लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम अब कहीं बैठते हैं और वहाँ से हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है खाना खाएंगे, कुछ कुछ लाए हैं। तो एक्चुअल में जब आप घूमने आए तो अगर मौसम सही आपके अनुसार रहे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप पिघल जाएंगे। यहाँ पर इतना गर्मी पड़ रहा है। तो गाइस हम लोगों ने ये जगह चुना है कुछ खाने के लिए, नहीं चुना है क्या? अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने के लिए चुना है, लेकिन चुना जरूर है। हम लोग जाने वाले हैं उस ओर, तो चलते हैं उधर। ये भारत छुरा के पुत्र, इधर देखिए लव्य छुरा, मोंटू छुरा के भतीजे हैं ये, मशहूर गायकार। नाड़ा देख सकते हैं, उससे भी बड़ा है। जितने बड़े ये हैं उससे बड़े इनका नाड़ा है। तो गाइस अब हमें भूख लग रही है, ये हमारी टोली, तो हम बैठ रहे हैं यहाँ पर और अभी हम बहुत ही सुंदर जगह में हैं। आपको मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? हाँ, तो अभी हम वहाँ बैठने वाले हैं और वहाँ पर हम कुछ खाने वाले हैं। काफ़ी दूर तक एक्चुअल में हमको आना यही था लेकिन हम भटक गए थे, कहीं आ नहीं पाए। तो एक भैया ने हमारी मदद की तो हम फिर वहाँ से ऐसा आए हैं। तो अभी हम जाते हैं उस और आते हैं कुछ रस्ते में ऑर्डर आ रहा है। दोस्तों ये जो डिश है ना बहुत लाजवाब और लजीज, आप देख सकते हो आलू के साथ ग्रेवी और स्वादिष्ट होगा। मुझे की चने इंसान भी खाते हैं। बहुत ही लजीज रोटी मेरे प्लेट में आ गया है। ये रोटी करीब 1.5 करोड़ का रोटी है दोस्तों, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 1.5 करोड़ का रोटी है क्योंकि इसको माँ ने बनाया है। माँ की रोटियों में बहुत जान होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये मिल गया, इसको मैं अब खाने वाला हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कैसे खाते हैं। सबसे पहले ये ऐसा एक निवाला तोड़िए और इसको ये कीजिए और फिर उसके बाद मुंह कहाँ है आपका, ये खा लीजिए। वो दिशांत हमारे पुलिस में, जल्दी पुलिस में भर्ती होने वाले हैं। इनका हेल्थ देखिए कैसे फिटनेस है। तो ये मेरे इसमें और क्या आ गया, चना घोड़ा चना, बहुत ही मिर्चीदार चना। एवं तो वो दो लोग कुछ तो ज्यादा प्यार कौन है रे? दोस्तों मैं खाने के बाद बात करता हूँ। सो गाइस खाना हुआ खत्म, अब हम चलते हैं हाथ धोने। सो गाइस एक और मैसेज देना चाहूंगा आपको, अगर आप कहीं भी कचरा करते हैं अच्छे जगह में तो डस्टबिन में ही डालिए। शक्तिमान भी यही सिखाता है। हाँ ये दिस एरिया में तो आराम से धो सकते हैं यार।
तो भाई ये एरिया में हम हाथ धो रहते हैं, छोटा सा जगह। तो गाइस हम लोगों ने हाथ पैर सब धो लिया है, अब हम थोड़ा कहीं और जगह घूमने जाते हैं। तो वहाँ है हाथ पैर धोने का स्थान, लेकिन हम लोगों ने क्या, एक्चुअल मैं डिस्कवरी चैनल बहुत देख रहा हूँ, तो मैन वर्सेस वाइल्ड जैसे जगह जहाँ मिले वहीं बस कर लेना चाहिए। मुझे प्यास तो लगी है, मैं उस और जाऊँगा जरूर। चलिए तो गाइस मुझे लगी है जोर से प्यास, और ये है आपका क्या, आपका वाटर कूलर, और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। आपको यहाँ पर फ्री में पानी मिल जाता है बिना किसी चार्ज के, चार्ज नहीं लगते ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, आपको फ्री में पानी मिल जाता है। तो भाई साहब मेरे पीछे देख सकते हैं मेकअप चल रहा है। एक्चुअल में लड़कियों लोग काफी मेकअप करते हैं गाइस, क्या कर रहे हैं, इसको यूट्यूब में डाल देगा, सबके सब मेकअप कर रहे हैं यहाँ। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वक्त हो जा रहा है, लेट हो जा रहा है, हम आने में भी लेट इसलिए हुए क्योंकि जितनी गर्ल्स हमारे साथ आए हैं वो सब मेकअप दो दो तीन तीन घंटे करते रहे, तो गाइस हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो ये बैग मेरा पैक हो चुका है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। चलिए तो गाइस हम निकल रहे हैं, ये मेरी फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, और देखिए ये मुझे क्या पकड़ा दी है, क्या पड़ता है दोस्तों, ये सब दोस्ती यारी में चल चलन करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे कहाँ है लेडी, ये लेडी क्या पकड़ी है, लेडी कुछ डंडा पकड़ी है, लोहे का है, मार सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा चित्रकला है जिसने भी बनाया है इसे, मंदिरों में प्रेम प्रसंग की कुछ चीजें दिखाई गई है, ये आदिवासी कल्चर के बारे में दिखाया गया है। ये भाई साहब जो हैं छीनी और हथौड़ी, जब हम लोगों ने औद्योगिक युग की शुरुआत हुई थी धीरे धीरे, तो छीनी और हथौड़ी से ही पूरा काम किया था। तो ये भाई साहब भी वही कर रहे हैं, रात में मेरे ख्याल से ये वाटरफॉल चलता होगा। और ये है, ये कुछ कुम्हार प्रजाति के हैं जो मटका बनाने का काम करते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है ये पिकनिक के लिए। तो रोहित भाई एक बच्चा चश्मा, लोगों ने काफी थक गया है, तो आप एक ले ना, तो चश्मा के साथ सब फोटो शूट कर रहे हैं।